Channel, just Creativity. For today's video, I am going to do a recreation video. Guys, this is my first recreation video. In this video, I am going to recreate the pictures of Akriti Sharma Kulfi. Hope you guys will like it. So, let's get into the video. So, the first pick for my recreation video is this. तो so, इसमें आकृति शर्मा ने एक ऑरेंज कलर का टॉप पहना हुआ है और इन्होंने एक सिंगल ब्रेड बनाई हुई है और इनके एक साइड के हेयर थोड़े से बाहर हैं और एक ब्लैक कलर का मिक्की हेयर बैंड इन्होंने लगाया हुआ है और उसके आगे एक रेड कलर का बो है और इनका जो फेस का है उन्होंने पाउड बनाया हुआ है और इनकी आईब्रो थोड़ी इस टाइप से अप है और ये दिखने में काफ़ी क्यूट लग रही हैं और इनका जो एक हैंड है वो इस टाइप से इन्होंने ऐसे हेयर पैन को पकड़ा हुआ है ऐसे सेम ऑरेंज टी शर्ट तो मेरे पास था और हेयर बैंड भी मेरे पास एकदम मैचिंग यही था बस उसमें रेड बो नहीं था तो मुझे सिर्फ करना क्या था एक ब्रेड बनानी थी और मैंने साइड से हेयर निकाला था और अपने हैंड को इस टाइप से करके पोज किया था और सिंपली पिक्स क्लिक की थी और बाकी का मैंने बो और बैकग्राउंड अपने एडिटिंग से किया था तो अब आप लोग जाइए और देखिए कि आपको मेरी रिक्रिएटेड पिक कैसी लगी तो गाइज तो आपको मेरी ये रिक्रिएटेड पिक कैसी लगी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी पिक और आकृति शर्मा के पिक में थोड़ा सा सिमिलैरिटी लगी हो तो जल्दी से जाइए और लाइक बटन को क्रैश कर दीजिए सो so गाइज मेरी सेकेंड रिक्रिएशन पिक ये है तो इस पिक में इन्होंने एक रेड कलर की कुर्ती वेयर किया हुआ है जिसको कि इन्होंने पेयर किया है येलो शरारा के साथ और इनका पोज है इस टाइप से इन्होंने किया हुआ है और पूरे हेयर इनके ओपन है और इनकी जो स्माइल है कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लग रही है और इसी स्माइल के साथ इन्होंने अपनी एक पिक क्लिक करवाई है इस पिक को रिक्रिएट करने के लिए मुझे रेड कुर्ती और येलो शरारा चाहिए था मेरे पास रेड कुर्ती थी बट एकदम ऐसी सिमिलर तो नहीं थी और येलो शरारा इन्होंने पहना है तो मेरे पास येलो शरारा तो नहीं था बट मेरे पास येलो प्लाजो था तो मैंने उसके साथ पेयर किया है रेड कुर्ती को तो गाइज मैंने सिंपली अपनी रेड कुर्ती और येलो प्लाजो को वेयर करके और अपने हेयर्स को पूरा ओपन कर दिया था और इस टाइप से कुछ पोज करके स्माइल देके मैंने सारी पिक्स को क्लिक करा लिया तो अब आप लोग जाइए और देखें कि आपको मेरी ये पिक कैसी लगी। तो गैस मैंने इससे पहले जो पिक की थी वो और ये पिक दोनों एक ही पोस्ट की है थर्ड रिक्रिएशन पिक इज दिस। तो उस पिक में जो आकृति ने रेड कुर्ती और येलो शरारा वेयर किया था वही इसने इस पिक में भी वेयर किया है तो इस पिक में आकृति ने अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को प्लेस करके और क्यूट सी स्माइल देके पिक को क्लिक करवाया है तो मैंने भी यही सेम किया था राइट हैंड के ऊपर मैंने भी लेफ्ट हैंड को प्लेस किया था और अपनी स्माइल दे के थोड़ा उनकी तरफ मैंने थोड़ा तो कोशिश किया था करके मैंने भी पिक क्लिक करवाई तो आप लोग जाइए और देखिए आपको मेरी रिक्रिएटेड पिक कैसी लगती है So guys, मैंने अपनी रिक्रिएशन सीरीज स्टार्ट की है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसकी रिक्रिएशन वीडियो चाहिए फोर्थ पिक इज दिस तो इस पिक में आकृति ने क्रॉप टॉप वेयर किया हुआ है और लेफ्ट साइड पे अपने सारे हेयर्स को आगे कर लिया है और रेड कलर की बो क्लिप को लगाया हुआ है और एक क्यूट की स्माइल के साथ वो ऐसे करके इन्होंने फोटो फोटो नहीं सेल्फी इन्होंने क्लिक किया हुआ है पकड़ तो मेरे पास सेम इसी तरह का टॉप तो नहीं था बट इसी कलर का था बस सेम ऐसा नहीं था तो मैंने अपना टॉप को वेयर करा था और अपने लेफ्ट साइड में मैंने अपने हेयर्स को आगे कर लिया था और मेरे पास ऐसा ही रेड कलर का बो नहीं था तो मैंने उसे अपनी एडिटिंग से मैंने उसे लगा लिया था और बैकग्राउंड को मैंने अपनी एडिटिंग के थ्रू कर लिया था सेट तो आप लोग जाइए और देखिए आप लोग ये वह एडिक्टेड पर कैसी लगी फिफ्थ पिक जो मैं रिक्रिएट करने जा रही हूँ वो ये है तो इस पिक में आकृति ने वाइट एंजल वाली फ्रॉक वेयर की हुई है और अपना राइट हैंड उन्होंने वेस्ट पे प्लेस किया हुआ है और लेफ्ट हैंड सिंपली इसे डाउन है और इन, इसमें भी इनके हेयर पूरे ओपन है और अपनी क्यूट सी स्माइल कर ये वाली फ़ोटो क्लिक की गई है और इसमें ये गार्डन में है क्योंकि बैकग्राउंड पूरा गार्डन वाला लग रहा है तो इसमें ये गार्डन में है और गार्डन में ये फोटो क्लिक की गई है सो so कैस मेरे पास भी ऐसी सेम एंजल वाली फ्रॉक थी बट एकदम ऐसी सेम में नहीं थी बस हम लोग का एक चीज़ एकदम सेम था वो था स्लीव हम दोनों की स्लीव्स एकदम मैच कर रही थी बट एक फ़र्क था कि इनकी में आगे से रफल गया मेरे में वो रफल नहीं था और मैंने भी ऐसे ही अपने हेयर्स ओपन करके एक ब्रेसलेट को इन्होंने वेयर किया अपने राइट हैंड में मैंने वो वेयर कर लिया था और बाकी मैंने अपनी एडिटिंग से बैकग्राउंड को कर लिया था तो आप लोग जाइए और देखिए कि ये रिक्रिएटिव पिक आपको कैसी लगती है सो so गाइज अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये रिक्रिएशन वीडियो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है बहुत ज्यादा इजी है वही इसमें क्या करना है क्लोथ को वेयर करो कैमरे के आगे खड़े होकर फोटो देख के ऐसे ही क्लिक कर लो बट बिल्कुल नहीं गाया इतनी ज्यादा इजी नहीं है जिस तक कि देखने में लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो है इसमें पहले हम लोगों को ड्रेस वेयर करना रहता है फिर उसके बाद कैमरे के आगे हम खड़े भी होते हैं और फिर इसको पोज़ेस देख के एकदम तो वैसे फेस कर पाए लाइटिंग का सब कुछ देखना पड़ता है मीन्स कि इसमें हम लोग वन टाइम में नहीं हो पाता है कम, -कम से कम फाइव सिक्स मीन बहुत ज़्यादा टेक्स लेने पड़ते हैं उसके बाद जाके हम लोग कोई एक फ़ोटो चूज करते हैं तब हो पाता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो अगर आप लोग कहीं पर थोड़ी सी भी मेहनत लगी हो कि हाँ मैंने थोड़ा सेम करने की कोशिश की है तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करिए प्लीज गाइस सपोर्ट मी सो द सिक्स पिक दैट आई एम गोइंग टू रिक्रिएट इज दिस सो इस पिक में आकृति ने रेड कलर का क्रॉप टॉप वेयर किया हुआ है और सिंगल ब्रेड इसमें भी उन्होंने बनाई हुई है और पिक पिंक कलर का किटी है बैंड लगाया हुआ है और एक बुक्स ऐसे में लिया हुआ है और जो सरप्राइजिंग वाला एक्सप्रेशन होता है उसके साथ उन्होंने ये पिक क्लिक करवाई है तो so, अगर इस पिक में सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पास भी आता सेम क्रॉप टॉप था तो बस मैंने भी सिंपली वो रेड क्रॉप टॉप को वेयर किया और एक चोटी बनवा के ऐसे बुक्स को ऐसे लेके मैंने भी एक सरप्राइजिंग वाला एक्सप्रेशन देके इस पिक को क्लिक करवा ली सो so guys, आप लोग जल्दी से जाइए मेरी ये वाली रिक्रिएट पिक देख के आइए तो so गैस अगर आप लोगों को मेरी ये रिक्रिएशन वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरी सारी पिक्स को रैंक करके बताएगा आपको सबसे ज्यादा अच्छी मेरी कौन सी पिक लगी सो द लास्ट पिक दैट आई एम गोइंग टू रिक्रिएट इज दिस तो इस पिक में आकृति शर्मा ने लाइट पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है और रेड थ्रेड अपने हाथ पे बंधवाया हुआ है और अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ इस टाइप से इन्होंने ये फोटो क्लिक करवाया है मेरे तो पास भी ऐसा ही लाइट पिंक कलर का टॉप था और मैंने भी अपने हाथ में ऐसे रेड कलर का थ्रेड बंधवा लिया था और फिर मैंने भी ऐसे करके और फिर फोटो क्लिक करवा लिया था तो आप लोग जाइए और मेरे ये वाइटिंग पिक देख के आइए So guys, आपको मेरी ये रिक्रिएशन वीडियो कैसी लगी इसमें मुझे मेहनत तो काफी लगी मैंने अपने कपड़े पहने थे फिर उसके बाद पोजेस भी मैंने दे दिया लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो मुझे बैकग्राउंड को सेट करने में लगा था सो गाइज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू फैमिली और जिसको जिसको सबके साथ शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो बाय बाय ग तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय